नमस्कार। आज एक विशेष निमित्त से आप सबके साथ एक बहुत ही सुंदर वृत्त चित्र आप सबके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है और उसका एक हेतु भी है। श्री कृष्ण कुमार जी अष्ठाना, एक ऐसा नाम जिनको हम सब अपने परिवार का अभिन्न अंग मानते हैं। मेरे जैसे, आपके जैसे अनेक बंधु भगिनी ऐसे हैं जिन्हें अष्ठाना जी का नाम लेते ही ऐसा लगता है मानो अपने घर के किसी बड़े का नाम लेकर के हम आश्वस्ति प्राप्त कर रहे हैं। अष्ठाना जी का संपूर्ण जीवन चरित्र सामान्यतः हम सब लोगों के ध्यान में न होगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि हमने अष्ठाना जी के विविध आयामों को अलग अलग अवसरों पर देखा है। अभी एक बहुत ही आनंददायक अवसर हम सब के लिए उपलब्ध हो गया है। परम श्रद्धेय अष्ठाना जी अब 80 पार हो चुके हैं और महाराष्ट्र में एक बड़ी अच्छी परंपरा है कि व्यक्ति जब वार्धक्य को जैसे जैसे प्राप्त होते हैं और 80 पार के बाद 81-82 वर्ष की अवस्था में सहस्त्र चंद्र दर्शन का आयोजन संपन्न होता है। इसका अर्थ ऐसा कि एक व्यक्ति ने अपने संपूर्ण जीवन में पूर्ण चंद्र को 1000 बार देखा है और यह लगभग 81-82 वर्ष की अवस्था तक जाकर के ही पूर्ण होता है। तो सहस्त्र चंद्र दर्शन का यह अवसर हम सब लोगों के लिए अत्यंत आनंददायक है और इस अवसर पर हम सब मिलकर ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे ये अभिभावक, हमारे ये मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय अष्टाना जी खूब दीर्घायु हों, बहुत स्वस्थ जीवन व्यतीत करें और हम सबको लगातार आशीर्वाद देते रहें। इस वृत्त चित्र में हम सब देखेंगे कि अष्टाना जी के जिन विविध आयामों के दर्शन हम सब लोगों को होंगे, वे कुछ 6-7 आयामों के प्रकार होंगे। पहला आयाम तो स्वाभाविक रूप से पारिवारिक होगा, जिसमें हम सब लोग देखेंगे कि श्रद्धेय अष्टाना जी का वह बाल्यकाल, वह पूर्व पीठी का जिसको हम कह सकते हैं जीवन की, उसका थोड़ा सा अवगाहन करेंगे। हम सबको ध्यान होगा, दो भाई हैं आदरणीय अशोक जी से हम सब लोग परिचित हैं ही, और 5 बहनों का विशाल परिवार, 2 भाई 5 बहनें, और बाद में विस्तार पाते पाते लगभग 2 दर्जन भांजे भांजियां। मेरा तो सौभाग्य कि मैं लगभग सबसे व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ, परिचित हूँ, और उन सबका अगाध स्नेह और श्रद्धा, ये श्रद्धेय अष्टाना जी के प्रति और आदरणीय माता जी जो अब दिवंगत हो चुकी हैं और हमारे साथ नहीं है, लेकिन दोनों के प्रति पूरे परिवार का अगाध स्नेह और श्रद्धा वह अनूठी है, देखने लायक है। और इसलिए एक आयाम तो पारिवारिक होगा। एक इसके बाद जो कृतित्व वाला हिस्सा है, भाई साहब का व्यक्तित्व और कृतित्व दो भागों में अगर हम माने तो कृतित्व वाले हिस्से में हमें ध्यान में आएगा कि अष्टाना जी के कार्यक्षेत्र कई रहे हैं। हम सबको याद होगा कि प्रारंभ में बिल्कुल कम अवस्था में पिताजी थे नहीं, माता जी की अनुमति लेकर के और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अत्यंत कम अवस्था में पदार्पण किया, और अड़ोखर और बरई ये 2 क्षेत्र ऐसे थे जहां पर उन्होंने अपना शिक्षकीय दायित्व का निर्वाह किया, प्राचार्य के दायित्व का निर्वाह किया, और उसके बाद उनकी यात्रा क्रमशः चलते हुए सीधे पहुंची पत्रकारिता के क्षेत्र में। हम सब जानते हैं परम पूजनीय सुदर्शन जी, हमारे माननीय सरसंघ चालक जी रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उनका बहुत स्नेह और आशीष आदरणीय अष्टाना जी पर रहा करता था और वे उन्हें लेकर के इंदौर स्वदेश दैनिक समाचार पत्र अपना था, उसमें संपादक के रूप में वे लेकर के आए, और यह यात्रा आगे चल करके बच्चों की प्रख्यात पत्रिका देवपुत्र के संपादक के रूप में निरंतर रही। ये 2 तो पत्रकारिता के क्षेत्र के उनकी उपलब्धियां थी, उनके कार्यक्षेत्र रहे। इसी के साथ साथ वे इंदौर का जो प्रेस क्लब है उसके भी वे प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी रहे और पत्रकार मित्रों के साथ मिलकर के उन्होंने एक लंबा समय व्यतीत किया। साथ में उनके कुछ और आयाम जिनके दर्शन हम करेंगे, विद्या भारती में वे क्षेत्रीय सचिव के रूप में रहे, अखिल भारतीय कार्यकारिणी के वे सदस्य रहे, और प्रांत में भी अनेक दायित्वों का निर्वाह उन्होंने किया। विद्या भारती को उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और ये हम सबके लिए आनंद का विषय रहा कि हमारी मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में वे सह प्रांत संघ चालक रहे और प्रांत संघ चालक का दायित्व भी फिर उन्होंने निर्वाह किया जब हमारा मालवा प्रांत पृथक से बना। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि उनके समाज जीवन, उनके राष्ट्र को अर्पित जीवन के बारे में कुछ झलकियां इस वृत्त चित्र के माध्यम से हम सब लोग देखने वाले हैं। तो मैं आप सबको आमंत्रित कर रहा हूं, आइए बहुत थोड़े से समय में इस बिंदु से सिंधु तक की यात्रा वाले इस वृत्त चित्र में हम देखेंगे कि कैसे अष्टाना जी ने अपने जीवन के कण कण का और क्षण क्षण का उपयोग करते हुए कैसे हम सबके समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत किया।
माननीय श्रद्धेय कृष्ण कुमार जी अष्ठाना जी के सहस्त्र चंद्र दर्शन के इस आयोजन में हम उनको प्रणाम करते हैं और कामना करते हैं कि वो शतायु हों, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वो शतायु हों, हमेशा लंबे समय तक हम सबका मार्गदर्शन करते रहें और उनकी जो ये सारी योग्यताएं हैं, इन योग्यताओं का समाज में भरपूर उपयोग हो, लोगों को मार्गदर्शन मिले, उनके दीर्घ जीवन की मैं कामना करता हूँ। कहते हैं कि जिसने सहस्र चंद्र देखा, उस सहस्र चंद्र दर्शन यानी जिंदगी में 80 साल होते हुए हम सहस्र चंद्र दर्शन करते हैं ऐसा मानना है, मगर केवल चंद्र का दर्शन करके ही कुछ प्राप्त होता है ऐसा तो नहीं है। मगर वास्तव में सूरज जैसी रोशनी, प्रखर रोशनी आए तो भी नहीं डगमगाना, और चंद्र की शीतल छाया में भी उतनी ही, जिसको हम कहते हैं उतनी ही शांति से काम करना, ये दोनों बातें माननीय अष्टाचार्य जी से सीखने जैसी है। मैं बहुत शुभकामना देती हूँ और उनको कहती हूँ, परसों मैंने उनको कहा कि मैं भी आपकी नाव में प्रवेश कर रही हूँ अब 80 के नाव में, लेकिन मैं अपने आप को सोचती हूँ अब मैं यहाँ नहीं जाऊँगी, अब मैं वहाँ नहीं, मैं इतना काम नहीं कर सकूँगी, लेकिन मैंने कहा आपको जब देखती हूँ तो मेरी बोलती बंद हो जाती है। अष्टाना जी को खूब खूब शुभकामना है और ऐसे ही आपकी बुद्धि, आपका साहित्य ये लोगों को संस्कारित करता रहे, यही मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं उनके लिए। मैं उनका आशीर्वाद जो हमेशा मिलता आया है उसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ और सहस्त्र चंद्र दर्शन समारोह में उन्हें विशेष रूप से प्रणाम करता हूँ और सभी शुभचिंतकों को इस दिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ओम नमः शिवाय। श्री कृष्ण कुमार जी अष्टाना साहब को मैं गत 42 वर्षों से जानता हूँ। वे सादा जीवन, उच्च विचार की प्रतिमूर्ति हैं। आज से लगभग 67 वर्ष पहले ग्वालियर जिले के बरेई गांव में वह प्राचार्य थे और उसी गांव में मेरा जन्म हुआ। उनके सानिध्य में रहकर मैंने अपने जीवन में उनके निर्देशों में कई सुधार किए। वे एक निष्ठावान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य होकर शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में आपने कई प्रशंसनीय कार्य किए हैं। मैं सहस्त्र चंद्र दर्शन के इस खास आयोजन पर उनके शतायु रहने की प्रार्थना करता हूँ और इच्छा रखता हूँ कि चिरकाल तक उनकी प्रेरणा हमें मिलती रहे। धन्यवाद। मात्र 20 वर्ष की अवस्था में ही पिताजी का साया उनके सर से उठ गया था। 5 बहनें और 2 भाई यानी भरा पूरा परिवार, और इस पूरे परिवार की जवाबदारी संभाली श्री अष्टाना जी ने अत्यंत कम अवस्था से। भाई बहनों की पढ़ाई हो या उनका विवाह, सारे दायित्वों का निर्वाह श्री अष्टाना जी ने अत्यंत कुशलता से किया। यही कारण है कि पूरा परिवार उनके प्रति अत्यधिक श्रद्धावनत रहता है। 9 दिसंबर 1960 को मेरे सर पर से मेरे पूज्य पिताजी का साया उठ गया, परंतु उसके पश्चात मुझे मेरे पिता तुल्य भाई श्री कृष्ण कुमार जी अस्थाना ने कभी भी पिता के अभाव को खटकने नहीं दिया। मैं आज बड़े गर्व के साथ कहता हूँ, यदि पिताजी जीवित होते तो भी इतना प्यार नहीं मिलता जितना मेरे बड़े भाई सब मुझे प्यार आज देते हैं। ठीक उसी प्रकार से मेरी भाभी
ने भी मुझे उसी प्रकार का प्यार दिया है। आज के समय में मैं यदि भगवान राम से तुलना करूं तो वह भी कम है। मैं आज जिस स्थिति में हूं वह सब बड़े भाई साहब की ही देन है। मुझे पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, शादी विवाह की, डॉक्टर बना करके मुझे अपनी क्लिनिक खुलवा करके मुझे स्थापित किया, इस सब के पीछे मेरे बड़े भाई साहब और भाभी जी का हाथ रहा है। मैं हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मेरे बड़े भाई साहब का स्नेह बहुत लंबे समय तक मिलता रहे, यही मेरी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। मुझे ध्यान है ताऊ जी जब विद्या भारती के क्षेत्रीय दायित्व पर थे तो माँ हमें लगभग 20 दिन घर से बाहर रहते थे, और जिन 10 दिनों में वह इंदौर में रहते थे उन दिनों में भी उनका बाहर आना जाना खूब रहता था। लेकिन उस व्यस्तता के बीच में भी जब मैं बहुत छोटा था तब मुझे गोदी में उठाकर ताऊ जी और ताई जी दोनों जिस प्रकार से जगाते थे वह जगाना मुझे आज भी याद है। और यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज हम लोग जो भी हैं, जैसे भी हैं और जिस कारण से भी हैं, वह ताऊ जी और ताई जी के कारण ही हैं। और आज इस शुभ अवसर पर वह शतायु हों, वह दीर्घायु हों, उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। इतना सम्मान ताऊ जी ने मेरे को दिया है, कभी ऐसा सोचा नहीं था कि एक बहू को बेटी की तरह रखा जाएगा। बहुत प्यार करते मेरे दादू, मैं अभी उनको प्यार करता, वो भी मुझे प्यार करते। यदि उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें तो आगरा से आने के बाद भी इनका परिवार मुरैना में शिफ्ट हो गया था, और मुरैना में इनके पिताजी जो है वो स्टाम्प बर्डर का काम करते थे। पारिवारिक स्थिति बहुत सामान्य थी, और इसलिए उस समय की घटना है कि जब इनकी आगे बढ़ने की, आगे पढ़ने की इच्छा हुई तो आर्थिक समस्या थी, और उस समय मुरैना के अंदर जो परिवार था बाबूलाल जी गुप्ता का, वो इनकम टैक्स सेल टैक्स के वहाँ के नामी वकील थे, और संघ के ये समर्पित परिवार था, और इसलिए जो प्रतिभाएं उन्होंने माननीय अष्ठाना जी के अंदर देखी तो उनकी इच्छा थी कि इन्होंने आगे पढ़ना चाहिए, और इसलिए उन्होंने कहा कि आप आर्थिक बात की चिंता मत करो, आगे आप पढ़ाई करो, और इसकी जो कुछ भी खर्च है वो खर्च मैं लगाऊंगा। और इसलिए उनके आग्रह के ऊपर ये आगे पढ़ने के लिए गए, किंतु इन्होंने एक शर्त रखी कि आज तो मेरी आवश्यकता और इसलिए मैं आपसे राशि ले रहा हूँ, मगर मैं शर्त के ऊपर ही लूँगा कि यह आपको वापस लेना होगी। बाबूलाल जी भी बहुत थोड़े जिद्दी स्वभाव के थे, मगर इन्होंने कहा कि आप वापस नहीं लोगे तो मैं ये राशि नहीं लूँगा। बाद में बाबूलाल जी को लगा कि नहीं, इन्होंने पढ़ना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि तुम अब तो अभी पढ़ाई करो, इसका फैसला अपन बाद में कर लेंगे। मगर उनका कैसा अष्टाना जी का सोच था कि आगे पढ़ाई करने के लिए गए ये, और पढ़ाई पूरी होने के बाद में इनको अड़ोखर विद्यालय के अंदर नौकरी लगी। नौकरी लगने के बाद में जो पहला वेतन उनको मिला तो सबसे पहले मुरैना में बाबूलाल जी के यहाँ के उन्होंने वो पैसे वापस करने की शुरुआत की। इस प्रकार का अभाव के अंदर भी ईमानदारी और ध्येयवाद, और बाबूलाल जी के परिवार को वो आज तक ऐसा मानते रहे कि अष्टाना जी का जो विवाह हुआ उसकी पत्रिका में भी बाबूलाल जी का नाम था। ऐसा जीवन ईमानदारी का, ध्येय निष्ठा का, ये माननीय अष्टाना जी का रहा है। 1958 में स्नातक करने के बाद उन्होंने शिक्षकीय जीवन का प्रारंभ भिंड जिले में उस अड़ोघर नाम के स्थान से किया जो उन दिनों डाकुओं
से अत्यधिक पीड़ित था और जिस बात का भय था, श्री अष्ठाना ने अपनी आंखों के सामने चलती कक्षा से अपने ही एक विद्यार्थी का अपहरण डाकुओं के द्वारा होते देखा। जाते जाते एक किसान की गोली मारकर उन्होंने हत्या भी की और दुर्भाग्य से बाद में जिस विद्यार्थी का उन्होंने अपहरण किया था उसकी भी हत्या की। किंतु इन संघर्षों से श्री अष्ठाना की यात्रा कभी भी बाधित नहीं हुई। डबरा मुरैना में व्याख्याता और लगभग 12 वर्ष तक बरई ग्वालियर में प्राचार्य का दायित्व संभालते हुए शिक्षा जगत को उन्होंने एक महत्वपूर्ण अवदान दिया। 15 वर्ष के शैक्षणिक अनुभव के बाद माननीय श्री शास्त्री जी और माननीय श्री सुदर्शन जी के आदेश पर उन्होंने इंदौर आकर संभाली दैनिक स्वदेश के संपादक की कमान। और उस समय इंदौर से स्वदेश प्रारंभ हुआ था। माननीय सुदर्शन जी जो उस समय प्रांत प्रचारक थे, उनको लगा कि इनकी लेखनी में बहुत असर है और स्वदेश के लिए इस प्रकार के लेखकों की ज़रूरत थी। तो अच्छी नौकरी, उस समय स्वदेश का कोई आगे भविष्य का बारे में कहा नहीं जा सकता था, उनकी अच्छी लगी हुई नौकरी भी सुदर्शन जी के कहने के ऊपर उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और इंदौर में स्वदेश के अंदर कार्य किया। मुरैना में इंटर के विद्यार्थी रहते हुए सन 1955 और 56 में संघ के नियमित संपर्क में आए और 1957, 1958 और 1959 में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तीनों वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया, जिन्हें प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष कहा जाता है। इन प्रशिक्षणों के बाद उन्होंने अपने जीवन का संपूर्ण समय समर्पित कर दिया अपने इस मातृ संगठन को। ये अनेक प्रतिभाओं से ओतप्रोत जीवन उनका रहा है और विभिन्न क्षेत्रों के अंदर काम करने के बाद हर क्षेत्र के अंदर उन्होंने सफलता प्राप्त की और संघ ने विभिन्न प्रकार की जो उनको जवाबदारियां दी, उन सारी जवाबदारियों के अंदर वो खरे उतरे। लगभग 65 वर्ष हुए इस बीच संघ ने जो योजना की, जहां उन्हें रहने के लिए आदेशित किया, जो दायित्व सौंपा, अपनी सामर्थ्य और अपनी पूरी क्षमता और ऊर्जा का उपयोग करते हुए उन्होंने उस दायित्व का निर्वाह भी किया और उसी संघर्ष में अपने परिवार का संचालन भी वे करते रहे। आज भी बातचीत में श्री अष्ठाना एक ही आकांक्षा व्यक्त करते हैं, संघ के सानिध्य में ही यह सुपूरा जीवन बीता है, मेरी ज्योति बुझे भी तो संघ कार्य करते हुए। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें दीर्घायु प्रदान करे और वे और 1000 बरस तक संघ की सेवा भी करें और हम सबको भी आशीर्वाद दें। मैंने पहली बार आरएसएस के कार्यक्रम में कृष्ण कुमार अष्ठाना जी, हमारे गुरु भी बोल सकते हैं, और उनका एक बौद्धिक सुना। उस बौद्धिक को 2 घंटे तक लगातार निरंतर बोलते रहे और हर विषय पे बोलते रहे, 500 साल, 1000 साल, इतनी पुरानी बातें कैसे उनके ब्रेन में थी, ये बातें करीब करीब 1000 व्यक्ति उस सभागार में थे, ये सारी बातें उन्होंने मुँह जवानी बोली, तो मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ और मैं उनके साथ इसके बाद आरएसएस के साथ जुड़ गया और उन्होंने मेरे को बच्चे सरीका प्यार करा और मेरे को आगे मार्गदर्शन दिया कि समाज की सेवा ही सर्वोपरि होती है। समाज के जो भी काम आप कर रहे हो वो यानी ईश्वर को आप अर्पण करने के समान समझो। इससे कोई आपको पैसा तो नहीं मिलेगा, परंतु आत्मिक शांति जरूर आपको मिलेगी समाज की सेवा करने से। जैसे देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। उनके मार्गदर्शन, उनके मार्ग बताए हुए रास्ते पे आज हम पूरा जीवन वैसा ही जी रहे हैं और हमको बहुत सुकून है और बहुत ही अच्छा लगता है कि
अंकल के मार्गदर्शन में हमने हमारा जीवन समाज के लिए कार्य कर रहे हैं और ऐसा ही हम निरंतर करते रहेंगे। इंदौर आने पर डेढ़ वर्ष बाद ही मीसा लगा। उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के हजारों कार्यकर्ताओं को देश भर में जेल में ठूंस दिया था। और आश्चर्य की बात यह कि मध्य भारत प्रांत में लगभग पूरा मीसा काल यानी 20 माह और 21 दिन अष्ठाना जी जेल की सीखचों के अंदर रहे। मीसा में उनका 21 माह का कारागार इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हुआ कि जिन कमिश्नर एमएम खार ने एक जमाने में अष्ठाना जी की कार्यशैली की अत्यधिक प्रशंसा की थी, दुर्भाग्य से बाद में शासन के दबाव में उन्हीं के हस्ताक्षर से अष्ठाना जी की गिरफ्तारी के आदेश भी निकले, क्योंकि उस समय श्री एमएम खार होम सेक्रेटरी बन चुके थे। किंतु इस कारागृह काल ने श्री अष्ठाना के जीवन को परिवर्तित कर दिया। यह उनका सौभाग्य भी था कि उस समय कारागार में उनके साथ स्वयं श्रद्धेय सुदर्शन जी रहे और स्वदेश के संपादक माणिक चंद जी वाजपेयी मामा जी के साथ अपने उस कारागृह काल को हंसी हंसी यह गीत गाते हुए गुजार दिया। कितने ही विघ्न आए आपातकाल लाए, कारा की यातनाएं ले मृत्यु दूत आए, पर हम अडिग रहे माँ तेरी ही थी ये करुणा, सब सह लिया है जननी तेरी शक्ति के सहारे। और सचमुच भारत माता से प्राप्त वह इच्छा शक्ति बलवती हुई, विजय हुई और मीसा की समाप्ति के बाद इन सारे कार्यकर्ताओं ने बाहर आकर राष्ट्र और समाज को मार्गदर्शन दिया। आज भी इस उम्र में कभी कोई कहेगा थका नहीं, मगर जैसे मैंने उनको स्वदेश में काम करते हुए देखा है, जिस तरीके से वो इमरजेंसी के समय लिखने पढ़ने का काम करते थे, संघ का काम करते थे, आज भी मैं उसमें उतनी ही ऊर्जा पा रही हूँ। और तब से मैं उनको देख रही हूँ कि कितने भी कष्ट सहन करने के बाद भी, यानी इमरजेंसी में कारागार में बंद थे, मैं उस समय देखती थी, भाभी जी को मिलती थी, सब कष्ट मैंने देखे हैं, मगर अष्टाना जी ने कभी अपने मुंह से कभी किसी बात का उल्लेख नहीं किया और हमेशा हंसते हुए जो काम आया, जिस तरीके से आया, काम करते चले गए। हम जैसे कई सारे स्वयंसेवकों को गढ़ने वाले, न उन्होंने पद चाहा न प्रतिष्ठा चाही, वो हमेशा चरैवेति की भावना के साथ राष्ट्र निर्माण के काम में लगातार सतत प्रयत्नशील रहे और अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखकर परिवार भाव के द्वारा उनमें अपना स्नेह और प्रेम की ज्योति जलाते रहे। ऐसे मेरे मार्गदर्शक, मेरे गुरु, मेरे आदरणीय, मेरे श्रद्धेय, जिनके सानिध्य में रहकर हमने राष्ट्रवाद का कखगा सीखा। तो उनकी ईमानदारी, उनका काम के प्रति समर्पण और ध्येय के प्रति निष्ठा, ये बहुत महत्वपूर्ण उनके जीवन के पहलू थे। प्रेस क्लब इंदौर के अध्यक्ष ने ही विघ्न आए प्रदेश समाचार पत्र संघ के लाए, कारा की यातनाएं संपादक संघ के सदस्य के रूप आए, पत्रकारिता में रहे मां उन्होंने अनेक वर्षों तक करुणा अनेक दायित्व सह लिया है जननी तेरी शक्ति के सहारे। 1986 से लेकर 1991 तक 6 वर्ष वे विद्या भारती के सचिव और मध्य क्षेत्र के सचिव के रूप में पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरस्वती शिशु मंदिर के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते रहे। 1991 में उन्हें श्रद्धेय भाऊराव देवरस ने देवपुत्र पत्रिका का काम सौंपा और तब से लेकर अब तक देवपुत्र पत्रिका और सरस्वती बाल कल्याण न्यास को उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। खासकर उन्होंने बच्चों के लिए, जो कि देश की नींव होते हैं, जिससे देश का निर्माण होता है, उन्होंने उन पर काम किया है और बहुत काम किया है, इसलिए वो देवपुत्र भी कहलाते हैं। देवपुत्र से जुड़ने के बाद बाल साहित्य के क्षेत्र में
एक नई लहर संपूर्ण देश भर में फैलाने में वे सफल सिद्ध हुए। पहली बार श्रद्धेय कृष्णचंद्र तिवारी राष्ट्रबंधु श्री जयप्रकाश भारती जी और श्री शशि जी, जो उस समय केंद्र सरकार के प्रकाशन विभाग के प्रमुख होते थे, इन सब की उपस्थिति में श्री अष्टाना जी ने देश के प्रथम भारतीय बाल साहित्य शोध संस्थान की स्थापना का संकल्प लिया और उसे यशस्वी भी बनाया और पूरा किया। आवश्यकता लगने पर इसके लिए वे देश भर में बाल साहित्य जगत के साहित्यकारों के पास घर घर गए और अपनी झोली फैलाकर उनका साहित्य मांगा। आज भारत का सबसे बड़ा बाल साहित्य का शोध केंद्र बनकर उभरा है भारतीय बाल साहित्य शोध संस्थान। आज जबकि नंदन और पराग जैसी बड़े घरानों की बड़ी पत्रिकाएं बंद हुई है, उसमें भी देवपुत्र बाल पत्रिका ने 371,000 प्रसार संख्या का कीर्तिमान ही नहीं छुआ, बल्कि आज भी कोरोना काल के पश्चात 1,00,000 से अधिक प्रसार संख्या का कीर्तिमान स्वयं अर्जित करते हुए देवपुत्र पत्रिका इस समय देश की सर्वाधिक प्रसार संख्या वाली बाल पत्रिका बनकर स्थापित है। बाल साहित्य के क्षेत्र में काम करते हुए उन्हें अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया, किंतु बाल साहित्य के जिन सम्मानों के लिए सर्वाधिक प्रसन्नता अनुभव होती है वे हैं नंदन के यशस्वी संपादक श्री जयप्रकाश भारती जी के नाम पर स्थापित प्रथम जयप्रकाश भारती सम्मान, उन्हें 2006 में दिल्ली में प्रदान किया गया। इसी प्रकार बाल साहित्य के भीष्म पितामह श्री राष्ट्रबंधु जी के नाम पर स्थापित प्रथम राष्ट्रबंधु सम्मान भी आदरणीय अष्टाना जी को दिया गया। हिंदी साहित्य समिति इंदौर द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान हिंदी दिवस वर्ष 2022 में उन्हें प्रदान किया गया। परम श्रद्धेय श्री कृष्ण कुमार जी अष्टाना बाल साहित्य जगत के शीर्षस्थ विद्वानों में गिने जाते हैं। देवपुत्र पत्रिका के माध्यम से आपने एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। देवपुत्र पत्रिका, बाल साहित्य और अनेक सांस्कृतिक सामाजिक विषयों को लेकर आपकी समय समय पर अनेक वरिष्ठ राजनेताओं से और देश के राष्ट्रपतियों प्रधानमंत्रियों से भी भेंट होती रही है। अटल जी के उनके निकट के संबंध रहे हैं, उनके साथियों में इंदौर के भूतपूर्व मेयर कृष्णमयी मोघी जी रहे हैं और प्यारेलाल जी खंडेलवाल, सुंदरलाल जी पटवा, मुझे व्यक्तिगत मालूम है कि इन सबसे उनके बहुत निकट के संबंध थे। कैलाश सारंग से भी उनके अच्छे संबंध थे, ये मुझे मालूम है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से आपकी भेंट हुई और बाल साहित्य को लेकर गहन चर्चा हुई। श्री नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह और APJ अब्दुल कलाम साहब से भी आपकी बाल साहित्य को लेकर बातचीत हुई और उनसे प्रत्यक्ष भेंट हुई। प्रतिभा सिंह जी पाटिल जब राष्ट्रपति थी उस समय भी आपकी एक सौजन्य भेंट उनके साथ में हुई है। प्रधानमंत्री के रूप में और मोरारजी भाई देसाई से श्री अष्टाना जी ने भेंट की, चंद्रशेखर जी से भेंट की, अटल बिहारी वाजपेयी जी से तो समविचारी व्यक्तित्व के नाते बहुत गहन चर्चा होती रही है। राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी आपकी कुछ कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष भेंट होती रही है और वे जब भी मिले उन्होंने बाल साहित्य के बारे में चर्चा की है। इसी प्रकार उप प्रधानमंत्री के रूप में लाल कृष्ण जी आडवाणी का भी सानिध्य माननीय अष्टाना जी को प्राप्त हुआ है। भगवत दयाल जी शर्मा, भाई महावीर जी, विष्णुकांत जी शास्त्री जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे और प्रोफेसर कप्तान सिंह जी हरियाणा के राज्यपाल रहे, साथ ही गोवा की राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा जी से भी अष्टाना जी की निकट भेंट वार्ताएँ होती रही है और बाल साहित्य को लेकर एक बड़ी योजना बनाने, बाल साहित्य के उत्कर्ष के लिए आप सतत प्रयत्नशील रहे हैं। श्री अष्टाना जी के सम्मानों की और उनसे भेंट करने वाले शीर्षस्थ विद्वानों की यदि सूची बनाई जाए तो शायद 2-3 घंटे का समय भी केवल सूची का वाचन करने में कम पड़ेगा, परंतु मैंने कुछ चयनित नाम
और कुछ प्रतिष्ठित सम्मानों का उल्लेख ही यहाँ किया भर है। देवपुत्र यह अष्ठाना जी का प्राण है और देवपुत्र के प्राण अष्ठाना जी हैं। इस प्रकार अष्ठाना जी देश के लिए एक विभूति है, बाल साहित्य जगत में चिर स्मरणीय उनका योगदान रहने वाला है। अष्ठाना जी को मिले अन्य सम्मानों में प्रांत संघ चालक श्री बद्रीलाल जी दवे की स्मृति में प्रेरक जीवन सम्मान, इंदौर प्रेस क्लब द्वारा श्री इंगले जी की स्मृति में प्रेरक जीवन सम्मान, श्री तिवारी स्मृति सम्मान और प्रेस क्लब के ही प्रेरक जीवन सम्मान, देवी श्री अहिल्योत्सव समिति द्वारा नगर गौरव सम्मान, ऐसे अनेक सम्मान श्री अष्ठाना जी को प्रदान किए गए। भारतीय बाल साहित्य शोध संस्थान इस समय भारत का सबसे बड़ा शोध केंद्र बनकर उभरा है। इस केंद्र के पुस्तकालय में देश भर का बाल साहित्य तो एकत्र है ही, यहीं पर बाल फिल्मों का एक बड़ा संग्रहालय भी तैयार किया गया है, जिसमें लगभग 400 से अधिक बाल फिल्में भी संग्रहित हैं। एक बहुत सुंदर सभागृह की व्यवस्था की गई है, जहां बच्चों को निशुल्क ये फिल्में दिखाई जाती है। देश भर के बाल साहित्य जगत के अनेक सम्मानों के निर्णायक मंडल में भी श्री अष्ठाना जी को सम्मान के साथ रखा जाता है। वर्ष 2018 के विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में उन्होंने भारत के बाल साहित्यकारों के प्रतिनिधि के रूप में सहभागिता की और वहां संपन्न हुए बाल साहित्य के सत्र की अध्यक्षता भी की। समाज में चलने वाली प्रत्येक सामाजिक गतिविधि से जुड़ने में श्री अष्ठाना कभी संकोच नहीं करते। रोटरी क्लब सेंट्रल इंदौर के वे मानद सदस्य रहे, रोटरी क्लब अपटाउन इंदौर के भी वे मानद सदस्य रहे, प्रेस क्लब इंदौर और मध्य प्रदेश प्रेस क्लब के भी वे मानद सदस्य हैं। नगर पालिक निगम इंदौर द्वारा महानगर के वरिष्ठ विचारकों का एक समूह निर्मित किया गया है, जिनसे समय समय पर वे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। उस समूह में भी श्री अष्ठाना जी का विशिष्ट स्थान है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के नाते वे प्रांत संघ चालक तो रहे ही, इस मध्य वे अनेक अनुषांगिक संगठनों के मार्गदर्शक भी रहे। स्वदेशी जागरण मंच, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय मजदूर संघ, विद्या भारती, सर्वपंथ समादर मंच, प्रबुद्ध भारती, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद सहित अनेक अनुषांगिक संगठनों के कार्यकर्ता उन्हें अपना अभिभावक और मार्गदर्शक मानते हैं। श्री अष्ठाना जी का लेखन बड़ा यशस्वी रहा। उनके पेने संपादकीय के माध्यम से, उनकी लेखनी से पाठक वर्ग स्वदेश के माध्यम से परिचित होता रहा। इस धारदार लेखनी को हम सब ने अनेक समाचार पत्र पत्रिकाओं में, स्मारिकाओं में आलेख के रूप में भी पढ़ा है। उनके द्वारा लिखी और संपादित पुस्तकों में स्वामी अमूर्तानंद जी के जीवन पर प्रकाशित पुस्तक एक और नंदादीप, स्वर्गीय भावसा भुस्कुटे के जीवन पर आधारित स्मृति, स्वर्गीय शरद जी मेहरोत्रा के जीवन पर आधारित समिधा जैसी पुस्तकों का लेखन और संपादन अविस्मरणीय माना जाता है। नवदधीचित गुरु तेग बहादुर पुस्तक तो आज भी संदर्भ ग्रंथ के रूप में वर्षों तक सहेजने योग्य पुस्तक बन पड़ी है। यही कारण है कि उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के बाल साहित्य पर दिए जाने वाली पुरस्कार चयन समिति में भी रखा जाता है और साथ ही आकाशवाणी जैसे माध्यमों पर भी उनकी वार्ताओं और आलेखों का प्रसारण सतत होता रहता है। प्रसिद्ध परांगमुख व्यक्तित्व के श्री अष्ठाना स्वयं अपने आप को केवल कार्यकर्ता मानते हैं, लेकिन इन कामों के बदले समाज यदि उन्हें कुछ देता है तो वे पूरी विनम्रता से इसे अपने मूल संगठन के वैचारिक अधिष्ठान को समर्पित कर देते हैं। महत्वपूर्ण सम्मानों में मध्य भारत हिंदी साहित्य सभा ग्वालियर द्वारा 1996 में सम्मानित किया गया, नागरी बाल साहित्य सम्मान बलिया, भारतीय बाल कल्याण संस्थान कानपुर, अखिल भारतीय नवोदित साहित्य सम्मान, बाल साहित्य संस्कृति कला विकास संस्थान बस्ती का सम्मान, मालवा शिक्षा सम्मान, भारत राष्ट्र परिषद सम्मान,
मनीषी संस्था कलकत्ता द्वारा बाल साहित्य सम्मान, बालवाटी का पत्रिका भिलवाड़ा द्वारा सम्मान, साहित्य कलश इंदौर द्वारा श्री कृष्ण सरल सम्मान, सूर्योदय सम्मान, राष्ट्रीय बाल साहित्य सम्मान अकोला, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा सम्मेलन सम्मान, इसी अनेक सम्मानों की बड़ी मालिका श्री अष्टाना जी के जीवन से जुड़ी हुई है। मासिक पत्र पत्रिकाओं के संपादन के क्षेत्र में देवपुत्र के साथ साथ जागृत युगबोध इस मासिक के संपादक के रूप में आदरणीय प्रहलाद दास जी काकाणी एक लंबे समय तक संपादन करते रहे और उन्हीं से यह दायित्व प्राप्त हुआ श्री कृष्ण कुमार जी अष्टाना को। जागृत युगबोध वर्तमान में विद्या भारती का मुखपत्र इस रूप में प्रकाशित होता है। श्री अष्टाना शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शक के रूप में चूंकि स्थापित थे और विद्या भारती को उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो ही रहा था, इसलिए मध्य प्रदेश के कुछ आवासीय विद्यालयों के निर्माण की प्रक्रिया के भी वे साक्षी रहे और मार्गदर्शक बने। शारदा विहार भोपाल हो या शिवपुरी का सरस्वती विद्यापीठ, इन सब के निर्माण की प्रक्रिया के वे स्वयं साक्षी बने और सतत लगातार मार्गदर्शन करते रहे। वर्तमान में दयानंद शिक्षण समिति के वे अध्यक्ष का दायित्व निर्वाह करते हुए एक लंबे समय तक मार्गदर्शक रहे। इस समय वे श्री जीडी अग्रवाल को अपना अध्यक्षीय दायित्व सौंपकर मार्गदर्शक की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। वो जिसको अपना आशीष दे देते हैं वो व्यक्ति अपने जीवन में शीर्ष को छूने का प्रयास करता है। मेरी जिंदगी का सफरनामा वैसे बड़ा विचित्र जैसा रहा है। जहाँ से मैंने अपनी याद के अनुसार काम शुरू किया वहाँ प्रारंभ में बड़ी कठिनाइयाँ आईं, और प्रारंभ की कठिनाइयाँ बड़ी स्वाभाविक भी होती हैं। भगवान की कृपा से मैं उन पर विजय प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ा और आज इस मंजिल तक पहुँचा हूँ। प्रभु की कृपा रही कि मैंने जीवन के प्रारंभ काल में ही संघ के कार्यकर्ता के नाते से जो संकल्प लिया था उसे मुझे पूरा करने में सफलता मिलती चली गई। मेरे पिताजी को बहुत छोटी अवस्था में खो दिया था, परिवार का सारा भार भी था। मैं अपने परिवार को बहुत आसानी के साथ अपने साथ लेकर के चलता रहा। मेरी इस यात्रा में परिवार का सहयोग भी रहा, और मैं तो ऐसा कहूँगा कि किसी भी प्रकार से भगवान की कृपा से मैं बड़ा संतुलन बना करके और अपने सामाजिक जीवन को भी इसके साथ चलाता रहा। मुझे कहीं किसी प्रकार की बाधा नहीं आई। मैंने ये भी देखा कि शुभ संकल्प के साथ जब जीवन में आगे बढ़ते हैं तो परिस्थितियाँ भी कुल मिला करके सहायक बनती चली जाती हैं। मैं तो अपने संबंध में तो निश्चित रूप से यह कह सकता हूँ कि इन परिस्थितियों का ही परिणाम था कि मैं भिन्न भिन्न स्थानों पर अपने संघ की योजना के अनुसार जिस जिस दायित्व को संभालता रहा वहाँ परिस्थितियाँ किसी भी प्रकार से मेरे अनुकूल ही बनती चली गई और मेरे संकल्पों को पूरा करने में सहायक बनी। और परिणाम ये हुआ कि भारत माता की सेवा करने का जो व्रत था वो भगवान ने बहुत आनंद के साथ पूरा किया। आज भी मैं उसी की कृपा मानता हूँ कि इस अवस्था तक पहुँचते पहुँचते मैं निर्विघ्न बिना किसी के कष्ट के बिना किसी उसके और अपने काम को पूरा कर रहा हूँ। आप सब लोगों का स्नेह और यह तो सब इसमें सम्मिलित है ही, लेकिन भगवान की कृपा भी रही और समाज ने मुझे जिस प्रकार से अपनाया सहयोग किया मैं उस सब के लिए उस सबका भी बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ।